Hello and welcome to Time Reducer. So this is our lecture 2.13 of potential and capacitance for chapter 2nd of class 12 physics. So capacitor series का ये next lecture होगा lecture 6 of cap for capacitor. और इस lecture में हम पढ़ेंगे energy stored in a capacitor के बारे में. Energy stored in a capacitor का expression find out करेंगे. उसके बाद energy density पढ़ेंगे. In electric field क्या होता है. So let us start. हमने दो पैरेलल प्लेट का इसको डी डिस्टेंस पे रखा है. इसके ऊपर चार्ज होगा प्लस क्यू और इसके ऊपर चार्ज होगा माइनस क्यू. सो दिस इज आवर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड दिस इज आवर नेगेटिवली चार्ज प्लेट. ओके, सो इस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी ने सिग्मा कंसीडर किया है प्लस सिग्मा और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा. इन दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ये भी डी, ये डिस्टेंस डी होगा. ओके, अब यहाँ पे आपको इस बात को समझना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है ये नेगेटिव चार्ज प्लेट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा. उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज प्लेट पॉजिटिव चार्ज के प्लेट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा और दोनों फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा. सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट नेगेटिव चार्ज प्लेट को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा. सपोज ये नेगेटिव चार्ज प्लेट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज प्लेट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज प्लेट. अब ये फोर्स एक दूसरे के ऊपर जो लग रहा है ये फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का होगा उसे पहले देखना है. उससे पहले हम ये समझे पहले कि इसके अंदर में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास एक्सप्रेशन है. सपोज ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर हम जानते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है. बट अगर मैं बात करूं कि इस प्लेट के लिए ये बस पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस पूरे रीजन में. सपोज इस नेगेटिव चार्ज प्लेट को आप थोड़ी तरीके के लिए भूल जाए, यहाँ पे कोई प्लेट नहीं है और बस पॉजिटिव चार्ज प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लेट इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट. एंड सिमिलरली इसी मैग्नीट्यूड का अगर आप पॉजिटिव चार्ज प्लेट को भूल जाए तो इस रीजन में नेगेटिव चार्ज के कारण जो नेगेटिव चार्ज प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी होगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. सो अब हमें देखना है कि फोर्स जो किसी प्लेट पे लगेगा. सो सपोज लेट अस अज्यूम कि फोर्स ऑन पॉजिटिव प्लेट ये फोर्स लिख सकते हैं इक्वल टू क्यू इंटू ई. सो क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो नेगेटिव चार्ज के कारण क्रिएट हो रहा है फील्ड के कारण. नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड क्रिएट होगा वो माइनस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होगा. सो यू कैन राइट इट एज फोर्स on positive plate is equal to minus q into sigma by 2 epsilon naught. So this is equal to सबसे पहले हम यहाँ पे सिग्मा को रिप्लेस करेंगे. सो हियर सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज ऑन रेड एरिया. सो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो ये हो जाएगा हमारा माइनस क्यू इंटू सिग्मा की जगह पे आप लिखोगे क्यू बाय ए. दिस इज वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट. तो फाइनली वी गेट ये चार्ज जो होगा यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट ए. सो दिस इज द फोर्स ड्यू टू नेगेटिव प्लेट्स ऑन पॉजिटिव प्लेट. ओके, सो नेगेटिव चार्ज के कारण जो नेगेटिव प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसके कारण पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज है. सिमिलरली द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी एक्सपीरियंस बाय नेगेटिव चार्ज प्लेट ऑल्सो. ये भी माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए ही होगा. बट अगर बस मैग्नीट्यूड का बात करें, बस मैग्नीट्यूड का कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लग रहा है
मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एम रिटन एज क्यू स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट ए. सो दिस इज द फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन बोथ प्लेट्स. ओके सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड कि एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा इस कैपेसिटर के लिए. तो इसके लिए हमें यह समझना होगा कि अभी जो दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है डी, वो अभी मान लो कि अगर ये डी सेपरेशन हमने इनिशियली कहीं से लाके इसको सेपरेट करके रखा होगा. ऐसा मानते हैं कि अगर ये डिस्टेंस सपोज पहले जीरो था और जीरो प्लेट से यहाँ पे पहले ये प्लेट यहाँ था जीरो डिस्टेंस पे, और इसे हमने क्या किया एक फोर्स लगाया इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया होगा इस दिशा में और इसको डी डिस्टेंस तक खींच के लाया होगा. सो ओके सो व्हाट वी डिड वी मेड मेक अ फोर्स, हमने एक फोर्स लगाया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्लेट के ऊपर और इसको डी डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया पॉजिटिव चार्ज के ऊपर. तो के कारण तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने लगाया फोर्स और किया हमने वर्क डन. सो वर्क हैज बीन डन, वर्क हैज बीन डन टू मूव प्लेट एनी प्लेट पॉजिटिव या नेगेटिव एक कॉफी रखो टू डिस्टेंस ए टू डिस्टेंस D, distance D. So the work done is equal to force dot D. ऐसे लिख सकते हैं सर. तो अब force का magnitude तो हमें पता है, distance भी हमें पता है. अब देखेंगे यहाँ पे ये force जो हमारा है, this is the force applied or externally हमने लगाया है इतना force. Okay, but we have applied this force in the against of attractive force of positive plate on negative plate. So, इस plate के ऊपर positive plate के ऊपर एक force तो इस direction में लग रहा है ना, ये negative positive charge के कारण negative plate के ऊपर लगने वाला force है और हमने क्या किया है इस तरफ अपना force लगाया है. तो ये जो force होगा हमारा, हमने जो applied force लगाया है इसका magnitude, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा हमारा फोर्स एक्सटर्नल या अप्लाइड आप कह लीजिए, ये मस्ट बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स. लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फोर्स जो है ये एक्जेक्टली नेगेटिव है इस फोर्स का. सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट दिस फोर्स एज इक्वल टू द सेम फोर्स वी वॉट हियर. सो क्यू स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट ए. ओके तो यहाँ पे हमारा वर्क डन हो जाएगा. सो वर्क डन विल बी फोर्स क्यू स्क्वायर बाय 2 epsilon not a into d. अब देखो डायरेक्शन ये हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो डायरेक्टेड फोर्स जो हमने फोर्स एक्सटर्नल लगाया है वो है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो इसलिए यहाँ पे cos 0 हम ज़ूम करेंगे. अगर आप यहाँ पे इस फोर्स को इसके इक्वल एक्जेक्टली इक्वल करो बस मैग्नीट्यूड नहीं लेके, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव फोर्स होगा. तो यहाँ पे फिर फोर्स इक्वल टू ये फोर्स करोगे और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो कॉस 180 डिग्री करेंगे. तो दोनों केस में हमारा जो वर्क डन होगा वर्क डन विल बी पॉजिटिव q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए इनटू डी. सो दिस इज द वर्क डन एंड द सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो वर्क डन हमारा निकला q स्क्वायर d बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन प्लेट फ्रॉम जीरो डिस्टेंस टू डी डिस्टेंस, और डी डिस्टेंस सेपरेट करने में जो हमने वर्क किया है वो वर्क है हमारा q स्क्वायर d बाय 2 एप्सिलॉन नॉट a. ओके सो द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी स्टोर्ड एज द वर्क डन the work done in capacitor. Okay, तो अभी जो हमने capacitor plates को यहाँ पे एक plate को यहाँ पे distance से separate करने में work किया है positive plate हमारा ये, और ये negative plate को distance separate करने में जो work किया है, so work was q square d by 2 epsilon not a. तो ये work done हो जाएगा और यही work done is equal to energy. So energy stored can be written as same as q square d by 2 epsilon not a.
तो इसको थोड़ा और रेक्टिफाई करते हैं, तो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। सो राइट हियर यू कैन सी, इसे हम लिख सकते हैं ऐसा क्यू स्क्वायर डी बाय टू इंटू वन बाय डी, को यहाँ लिखिए डी बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो डी बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, सी पैरेलल इतना है तो हम इसको लिख सकते हैं वन बाई सी इज इक्वल टू डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए। सो एनर्जी स्टोर्ड विल बी नाउ क्यू स्क्वायर डी बाय सॉरी क्यू स्क्वायर बाय टू इंटू डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए को हम लिखेंगे वन बाय सी। सो फाइनली एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू q square by 2c. This is the expression in terms of capacitance. Okay. So, इसको एक और टर्म में हम लिखते हैं c, the energy stored हमारा निकला है q square by 2c, and as we know that q is equal to cv, so energy stored is equal to हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय टू सी, सी स्क्वायर कैंसिल, तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू वन बाई टू सी वी स्क्वायर। सो दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू थिंक कि अब देखो, जैसे अगर वो प्लेट हमारा था, वो जैसे ये अगर लिया पैरेलल प्लेट, यहाँ पे ये हमारा एक प्लेट था, दिस वॉज वन प्लेट एंड दिस वॉज अगर प्लेट, मान लो अगर इसे हम यहाँ पे कहते हैं अभी इनिशियल डिस्टेंस इसका सपोज डी वन था, और यहाँ से हमने इस प्लेट को ऐसा करके मूव करके इस जगह पे लाया। ओके, प्लेट को हमने अब यहाँ ले आया, पहले प्लेट का पोजीशन था हमारा यहाँ, और इस जगह से हमने इस प्लेट को यहाँ लाया, सपोज डी वन डिस्टेंस डी टू डिस्टेंस दूर ले आया। Now, what is the distance moved between the plates को जो distance हमने move करा है, वो distance हमारा है ये distance, so this is the distance moved by the force, किसी force के कारण जो plate को हमने यहाँ से यहाँ move किया है, तो ये distance हो जाएगा, so distance is equal to d2 minus d1, so this is the displacement। अब एक चीज देखिए, अगर इसमें जो हमने इसे यहाँ से यहाँ move कराया है, तो इसमें भी हमने कुछ work किया होगा, and the same amount of the work done as must been stored in the form of energy or work done. So, आप work done के लिए लिख सकते हैं expression. So, work done can be written as here work done is equal to हम लिख सकते हैं q square by 2 epsilon naught a into d होता था, तो d के जगह पे आप लिखेंगे इस बार d2 minus d1. So, this is the work done. अगर इस position से इस position पे लाने में जो हमने work किया, ओके, सो यहाँ पे पहले जो एनर्जी था, यहाँ पे जो बाद में एनर्जी हो गया, उसका डिफरेंस भी वर्क डन होगा। सो दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड। आप देखो, ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ये जो हमारा ये जो रीजन है इस रीजन, पहले ये रीजन था पहले, अभी हमने इतना रीजन चेंज किया है इसका, सो वी हैव इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, तो एनर्जी इज समहाउ एसोसिएटेड विद द वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है हमारा, इसके बीच में से मान लो अगर प्लेट पहले ही प्लेट आ जाता है यहाँ पे, तो सपोज इस प्लेट के बीच में एनर्जी था, और वो एनर्जी इस वॉल्यूम, इसके अंदर में कुछ वॉल्यूम था पर्टिकुलर, उस वॉल्यूम से एसोसिएटेड था, इस पूरे वॉल्यूम में एनर्जी था। ओके, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एक यूनिट वॉल्यूम अगर जब हम कॉन्सिडर करते हैं, वेन वी कॉन्सिडर अबाउट वन यूनिट वॉल्यूम, तो उस यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी हमारे पास कितना होगा। सपोज अगर यहाँ से हमने इसे यहाँ मूव कराया इस प्लेट को, तो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड जो होगा इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में वो इतना होगा। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस वॉल्यूम। सो द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, लेट अस डिनोट इज बाय यू लेटर, लेटर यू। देखो इसे क्या लिखेंगे, पहले एनर्जी जो हमारा यहाँ पे है या वर्क डन यहाँ से यहाँ लाने में जो हमने किया, दैट इज दिस, तो आप इसे लिख सकते हो
वर्क डन बाय वॉल्यूम और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. सो वर्क डन इज इक्वल टू हियर क्यू स्क्वायर बाय टू इप्सिलॉन नॉट ए इनटू डी टू माइनस डी वन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. अब देखो ये इसके बीच का जो डिस्टेंस हमारा ये है डी टू माइनस डी वन और इस प्लेट का जो सरफेस एरिया है प्लेट का सरफेस एरिया ए है तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा एरिया इंटू लेंथ इसका एरिया और इसका लेंथ. सो वॉल्यूम विल बी एरिया मल्टीप्लाइड विथ लेंथ डी टू माइनस डी वन. तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी टू माइनस डी वन विल बी कैंसिल्ड. सो ए ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय टू इप्सिलॉन नॉट ए इंटू वन अपॉन ए. सो दिस विल बी क्यू स्क्वायर बाय टू इप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर. सो दिस इज एनर्जी डेंसिटी. दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. जब कैपेसिटर इस वॉल्यूम में जो एक यूनिट में एनर्जी स्टोर्ड होगा वो एनर्जी ये होगा. सो अगेन यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख सकते हैं. जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए से आप लिख सकते हो ऐसा यू कैन राइट इट एज वेल यू इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय ए इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर. तो यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर करोगे तो फिर ये कैंसिल होके इतना ही हो जाएगा. ओके सो वाई वी हैव रोट दिस ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट विल बी द एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द प्लेट या बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट. सो this is equal to electric field. अब इसे इसमें put कर दें तो u is equal to 1 by 2 epsilon naught e का square. So you can write it energy density as 1 by 2 epsilon naught into e square. So this is another formula for equation for energy density. Energy density के लिए हमने देखा कि ये पहले हमारे पास क्यू स्क्वायर बाई टू इफ नॉट ए स्क्वायर है और इसके लिए हमने क्या किया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर रिप्लेस कर दिया सपोज क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट को तो हमारे पास आता है 1 बाई टू इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. सो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द बिटवीन द प्लेट्स. ओके दिस इज एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी पर यूनिट. ओके सो वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट द लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि हमने यहाँ पे जो एनर्जी डेंसिटी को एसोसिएट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है. अब ये जो एक्सप्रेशन है हमारा दिस इज नॉट नाउ स्पेसिफिक फोर की कैपेसिटर के प्लेट के बीच में ही एनर्जी हम निकालें. अगर किसी भी वॉल्यूम में सपोज इस रीजन में अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पर्टिकुलर किसी भी वॉल्यूम में आप चाहो तो वहां पे निकाल सकते हो एनर्जी डेंसिटी. अगर आपको उस वॉल्यूम रीजन का वॉल्यूम पता है ओके तो वहां पे हम एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं पर्टिकुलर वॉल्यूम में क्या एनर्जी होगा हमारा. सो द रिजल्ट कैन बी यूज फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड वेदर इट इज ड्यू टू अ कैपेसिटर और अदरवाइज. ओके सो दैट्स इट इस लेक्चर में इतना ही. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल.